हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ जून महीने के करेंट अफेयर्स पे, जो कि फ्रेंड ये आपका प्रमुख योजना से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फ्रेंड कि हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा सम्मेलन आयोजित किया है ना। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा सम्मेलन आयोजित किया है, तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि अटल किसान है ना, अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोला जाएगा। फ्रेंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड कि हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है ना। हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करना है, तो ये आपका हो जाएगा ओम बिरला हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि स्कूली बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है ना। स्कूली बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान है ना, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि किस राज्य सरकार ने खाद मानकों और सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वच्छता रेटिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी होटलों ढाबों से ऑनलाइन खाद आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 का विषय उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाना है, यह हर साल मनाया जाता है ना, तो ये आपका 4 मार्च को, ठीक है फ्रेंड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, तो ये आपका 4 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये आपका ऋषिकेश हो जाएगा। हाल ही में किसने न्यू दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक जारी किए है ना, हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक जारी की है, तो ये आपका स्मृति जुबिन ईरानी है ना, कौन हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि नमस्ते ओरछा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है ना फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नमस्ते ओरछा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश MP फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की है, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये आपका हरियाणा सरकार हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद जानेंगे कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए किस शहर में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ना, 6वें यानी कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए किस शहर में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका लेह हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा हो जाएगा, तो लेह हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता
प्रमाण पत्र बिल को मंजूरी दी है ना। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र बिल को मंजूरी दी है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग नामक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो ये आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा फ्रेंड, है ना। जलियांवाला बाग फ्रेंड पूछ दे कि जलियांवाला बाग है कहाँ, तो ये आपका अमृतसर में हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ हो जाएगा? अमृतसर में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपका 12 मार्च को मनाया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं शुरू की है ना, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये आपका हो जाएगा नाना शंकर सेठ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जानेंगे कि भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है ना फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा ना, वेस्ट बंगाल। फ्रेंड आज का आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ये न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।